हाँ भाई नमस्ते भाई। तो देखिए भाई आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहार। क्या पढ़ेंगे भाई? प्रमुख त्योहार पढ़ेंगे भाई। हाँ तो देखिए सबसे पहले तो ध्यान दो भाई। देखिए एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं भाई। तो देखो ध्यान दो, जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है बताओ भाई। देखिए 12 महीने होते हैं, पहले तो ये चीज समझो आप लोग। 12 महीने कौन कौन से? देखो एक तो चैत्र, कौन सा है भाई? चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। देखिए चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादवा, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह और फाल्गुन। ठीक है ना भाई? हाँ तो देखिए भाई ध्यान दो, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। पहला महीना चैत्र, वैशाख। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और कितने हो गए भाई? 12 हो गए भाई। ठीक है ना भाई? हाँ देखिए ये चैत्र मास मार्च अप्रैल में आता है भाई। कौन सा बोलो? मार्च अप्रैल, समझ रहे ना आप लोग? फिर देखो ये वाला अप्रैल मई, और ये वाला मई जून, ये वाला जून जुलाई, ये वाला जुलाई अगस्त, ये वाला अगस्त सितंबर, ये वाला सितंबर अक्टूबर, ये वाला अक्टूबर नवंबर, ये वाला नवंबर दिसंबर, ये वाला दिसंबर जनवरी, ये वाला जनवरी फरवरी, और ये वाला फरवरी मार्च, और ये वाला वापस मार्च अप्रैल। ठीक है ना भाई? हाँ तो ये टोटल मिला के कितने महीने हो गए भाई अपने? 12 महीने हो गए, समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ अब देखो 12 महीने हो गए, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। लगभग कितने दिन होते हैं भाई इनके? 30 दिन होते हैं। तो मेरी बात सुनो, देखो ये 30 दिनों को देखो भाई दो भागों में बांट रखा है। बोलो कितने भागों में? दो भागों में बांटा रखा है भाई। तो सुनो कैसे, देखो दो भाग ऐसे है, एक तो कृष्ण पक्ष, कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष, और बताओ दूसरा शुक्ल पक्ष, कौन सा पक्ष भाई? शुक्ल पक्ष। सुनो जैसे मान लीजिए चैत्र महीना चालू हो गया, तो चैत्र मास की पहली तिथि जो आएगी वो आएगी पहले कृष्ण पक्ष की, कौन से पक्ष की? कृष्ण पक्ष की। जैसे चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, क्या आ गया भाई? प्रतिपदा। दूसरी तिथि को क्या बोलेंगे? चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दोज, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से चलती रहती है, समझ रहे ना आप लोग? हाँ चलो फिर उस तरह से लास्ट में चतुर्दशी, और फिर 15 नंबर की जो तिथि होती है बीच की, उसको बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं? अमावस्या। तो 15 दिन कंप्लीट हो गए। अब देखिए भाई 15 दिन कंप्लीट होते ही महीना आधा ही तो हुआ है अभी। फिर ध्यान दो, अमावस्या आते ही फिर पक्ष दूसरा आ गया, कौन सा आ गया? शुक्ल पक्ष आ गया। फिर वही शुक्ल पक्ष की, वही चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। इस तरह से चतुर्दशी और जो 15 नंबर की तिथि आती है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष में क्या बोलते हैं 15 नंबर की तिथि को? पूर्णिमा में, और बीच वाले को अमावस्या बोलते हैं, समझ रहे हो ना आप लोग? तो देखो चैत्र मास की पूर्णिमा हो गई भाई। क्या हो गई बोलो? पूर्णिमा। ठीक है? हाँ तो ध्यान दो थोड़ा सा, अब पूर्णिमा आते महीना चेंज हो जाएगा, कंप्लीट 30 दिन हो गए। फिर अगला महीना चल गया, जैसे वैशाख चल गया, कृष्ण पक्ष में चल गया, बीच में अमावस्या, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा पाया, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से चलती ही चलता रहता है भाई सिस्टम, समझ रहे ना आप? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है? कृष्ण पक्ष में अंधेरी रात होती है, शुक्ल पक्ष में चांदनी रात होती है। कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, काले थे। शुक्ल पक्ष में श्री राम का जन्म हुआ था, थोड़े गोरे थे। ठीक है भाई? हाँ तो कृष्ण पक्ष में अंधेरी रात होती है, शुक्ल पक्ष में चांदनी रात होती है। ओके दोबारा देखो एक बार। तो
तो बताइए भाई पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। और मैंने आपको एक दिन पहले बताया था हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रम होता है, हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रम होता है, अंतिम महीना जिलहिज होता है, अंतिम महीना जिलहिज होता है। अच्छा फिर देखो भाई वैशाख अप्रैल मई ज्येष्ठ मई जून आषाढ़ जून जुलाई सावन जुलाई अगस्त भाद्र मास अगस्त सितंबर अश्विन मास सितंबर अक्टूबर कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर मार्च से नवंबर दिसंबर पौष में दिसंबर जनवरी माघ में जनवरी फरवरी फागुन में फरवरी मास। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है ना भाई? हाँ ओके। चलिए भाई देखिए तो ध्यान दो भाई, अब अपन देखो सबसे पहले त्योहार पढ़ेंगे भाई। देखिए भाई त्योहारों में ध्यान दो, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे श्रावण मास के। बोलो भाई कौन से मास के? श्रावण मास के पढ़ेंगे। तो ध्यान दो पहले कृष्ण पक्ष के फिर शुक्ल पक्ष के। तो देखिए भाई श्रावण मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं? ध्यान दो, एक आती है नाग पंचमी। बोलो भाई क्या आती है? नाग पंचमी आती है। तो बताइए नाग पंचमी कब आती है? श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को आती है भाई। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी आती है, ठीक है ना भाई? हाँ फिर देखो भाई नाग पंचमी एक आती है निडर नवमी। कौन सी आती है? निडर नवमी। बताओ भाई निडर नवमी कब आती है? अरे भाई ये आती है श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है। और ध्यान दो इस दिन सांप से बचने के लिए नेवलों की पूजा की जाती है। अरे सांप से बचने के लिए नेवलों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है भाई निडर नवमी के दिन। समझ गए ना भाई? हाँ तो निडर नवमी के दिन सांप से बचने के लिए किसकी पूजा की जाती है? नेवलों की। तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन नेवलों की पूजा कब की जाती है? ऑप्शन में निडर नवमी भी आता है, नेवलाष्टमी भी आता है। तो आंसर निडर नवमी करना अपन को। समझ रहे ना आप लोग? सांप का दुश्मन होता है नेवला। हाँ चलो अब देखिए श्रावण मास में आती है आपकी क्या आती है भाई? हरियाली अमावस्या। क्या आती है भाई? हरियाली अमावस्या आती है। बोलो हरियाली अमावस्या कब आती है भाई? श्रावण मास की अमावस्या को आती है। बोलो भाई कब आती है? श्रावण मास की अमावस्या को आती है भाई हरियाली अमावस्या, ठीक है ना भाई? हाँ अब देखो देखिए भाई ध्यान दो, हरियाली अमावस्या वैसे पूरे राजस्थान में मनाई जाती है, लेकिन ध्यान दो भाई हरियाली अमावस्या है, अरे ये प्रसिद्ध कहाँ की है? बोलो ये प्रसिद्ध है भाई मंगलियावास की। बोलो भाई कहाँ की है? मंगलियावास। बोलो भाई ये मंगलियावास कहाँ है? अजमेर में है। तो ध्यान दो भाई प्रसिद्ध मंगलियावास की है। अरे बोलो भाई किसकी है? मंगलियावास की है भाई ये प्रसिद्ध। हाँ और ध्यान दो इस मंगलियावास में कल्प वृक्ष का जोड़ा है। बोलो भाई कल्प वृक्ष का क्या है? जोड़ा है जिसे इच्छा वृक्ष कहते हैं। बोलो भाई क्या कहते हैं इसको? इच्छा वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष के जोड़े को इच्छा वृक्ष कहा जाता है भाई। हाँ कोई जाता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है ऐसा कहते हैं। समझ रहे ना आप लोग? तो एक बार दोबारा देखो भाई हरियाली अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या को आती है और प्रसिद्ध मांगलियावास अजमेर की है और मांगलियावास में कल्प वृक्ष का जोड़ा है जिसे इच्छा वृक्ष कहा जाता है। चलो भाई अब देखो आज क्या होता है भाई। देखिए तीज, अब आपसे तीज पूछे चाहे छोटी तीज पूछे भाई, तीज पूछे या क्या पूछे बोलो, छोटी तीज पूछे।
अच्छा तो देखिए भाई ध्यान दो, ये कहाँ की प्रसिद्ध है बोलो भाई। सॉरी पहली बात तो कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। बोलो भाई कब आती है, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है ये तीज। अच्छा देखिए ये प्रसिद्ध कहाँ की है भाई, जयपुर की। बोलो कहाँ की है, जयपुर मनाई जाती है भाई सबसे ज्यादा तीज। और सुनो ये केवल महिलाओं का त्योहार है, किसका त्योहार है, महिलाओं का त्योहार है, समझ रहे ना। एग्जाम में आता है कि तीज किसका त्योहार है, महिलाओं का त्योहार है, पुरुषों का त्योहार है, दोनों का त्योहार है, तो क्या आंसर दोगे आप लोग, ये तो महिलाओं का त्योहार है भाई। अच्छा देखो देखिए इससे त्योहारों का आगमन होता है। अरे भाई इससे त्योहारों का क्या होता है, आगमन होता है, यानी कि देखो ऐसा कहते हैं कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या है भाई, तीज दीवार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज पर त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर पर इनका समापन होता है। चलो अच्छा इसके बाद में देखिए भाई श्रावण मास में क्या आती है, रक्षाबंधन। क्या आती है, रक्षाबंधन। बताओ भाई रक्षाबंधन कब आती है, श्रावण मास की पूर्णिमा को आती है भाई रक्षाबंधन। तो ओके चलो एक बार दोबारा देखो, नागपंचमी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को आती है भाई। हाँ नवमी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है, इसलिए सांप से बचने के लिए नेवलों की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या को आती है, प्रसिद्ध मांगल्यवास अजमेर की है और मांगल्यवास में कल्प वृक्ष का जोड़ा है जिसे इच्छा वृक्ष कहा जाता है। छोटी तीज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, प्रसिद्ध कहाँ की है, जयपुर की। और ये केवल महिलाओं का त्योहार है और इस पर त्योहारों का क्या होता है, आगमन होता है, रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा होती है भाई। ठीक है ओके दोबारा देखो, तो देखो भाई श्रावण मास में नाग पंचमी और निडर नवमी आती है, और क्या आती है भाई, हरियाली अमावस्या आती है। और हरियाली अमावस्या देव भाई प्रसिद्ध कहाँ की है, मांगल्यवास अजमेर की है और वहां पर एक कल्प वृक्ष का जोड़ा है जिसे इच्छा वृक्ष कहा जाता है। तीज छोटी तीज देखो भाई श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, प्रसिद्ध कहाँ की है, जयपुर की है। केवल ये महिलाओं का त्योहार होता है और इस पर त्योहारों का क्या होता है, आगमन होता है, अच्छा बंद श्रावण मास की पूर्णिमा को आती है। अब देखिए भाई श्रावण के बाद में ध्यान दो भाई, भाद्र कौन सा पद बोलो, भाद्र पद। कौन सा पद भाई, भाद्र, भाद्र मास में। तो देखिए भाई भाद्र मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं बताओ भाई। देखो एक तो आती है पड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी और भादुड़ी तीज। बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, भादुड़ी तीज और इसे ही बोलते हैं बूढ़ी तीज। देखिए भाई बूढ़ी तीज, सातुड़ी, भादुड़ी तीज। अच्छा बताओ कब आती है भाई, ये आप लोग आंसर देना, भाद्र कृष्ण तृतीया को कब आती है भाई, भाद्र कृष्ण तृतीया को आती है। और देखिए ये प्रसिद्ध कहाँ की है बोलो, बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, बूंदी की है।
ओके। अच्छा अब देखिए ध्यान दो, भाद्र मास में ही देखो और क्या आती है भाई बताओ। एक आती है ऊब छठ, बताओ भाई कब आती है, भाद्र कृष्ण छठ को, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी बताओ भाई कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को। अरे कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है भाई, भाद्र कृष्ण अष्टमी को आती है। और एक आती है गोगा नवमी, बताइए भाई गोगा नवमी कब आती है, भाद्र कृष्ण नवमी को आती है। और गोगा नवमी के दिन ध्यान दो, आप सबको पता है कि मेला कहाँ लगता है इसका, बहुत बड़ा हनुमानगढ़ में, कहाँ लगता है गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ में इसका क्या लगता है, मेला लगता है भाई बहुत बड़ा रास्ता में। अच्छा फिर देखो भाई भाद्र मास में देखो और क्या आती है बताओ भाई, एक आती है हरितालिका, हरि का था हरितालिका तीज आती है। देखिए भाई हरितालिका तीज कब आती है बताओ, भाद्र शुक्ल तृतीया को। अरे भाई हरितालिका तीज कब आती है, भाद्र शुक्ल तृतीया को आती है भाई। ठीक है भाई, हाँ फिर देखिए भाई ध्यान दो, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी बोलो भाई, गणेश चतुर्थी कब आती है, भाद्र शुक्ल तृतीया को आती है भाई। गणेश चतुर्थी कब आती है बोलो, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणेश चतुर्थी आती है। ठीक है ना भाई, हाँ इसके बाद देखिए भाई ध्यान दो, गणेश चतुर्थी मेला कहाँ लगता है बोलो, रणथंभौर में लगता है। रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर में। रणथंभौर कहाँ है भाई, सवाई माधोपुर में है। हाँ राधाष्टमी, राधाष्टमी कब आती है भाई बताओ एक बार, भाद्र शुक्ल अष्टमी को कब आती है भाई राधाष्टमी, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है। ठीक है ना भाई, एक आती है देखो जल झूलनी एकादशी, हाँ भाई जल झूल एकादशी कब आती है बताओ भाई, भाद्र शुक्ल 11 को आती है भाई, कब आती है बोलो, भाद्र शुक्ल 11 को जल जुलने एकादशी आती है भाई। चलो दोबारा देखिए समझो, देखिए भाई भाद्र मास में, कौन से मास में है, भाद्र मास में देखो भाई राधाष्टमी, ओ सॉरी सबसे पहले यहाँ से चलो बड़ी तेज से, आज चलो भाई बड़ी तेज, तो बड़ी तेज कदली तेज सातुड़ तेज बादुड़ी तेज बूढ़ी तेज कब आती है, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है, प्रसिद्ध कहाँ की है बूंदी की है। फिर देखिए भाई ऊ छठ भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की छठ को आती है, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है, गोगा नवमी भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है, मेला गोगा मेड़ी में लगता है हनुमानगढ़ में, हरितालिका तेज भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, गणेश चतुर्थी भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है भाई, और मेला रणथंभौर में लगता है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है भाई। ठीक है ओके, चलो देखो तो देखिए भाई ध्यान दो,
बताइए भाई, बड़ी तीज है, कजली तीज है, सातोड़ी, भादोड़ी तीज, बूढ़ी तीज। देखिए भाई कब आती है, भाद्र कृष्ण तृतीया को आती है, पसी आके बूंदी की है। पूर्व छठ कब आती है, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की छठ को आती है, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है, गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी मेला गोगा मेरी हनुमानगढ़ में लगता है। फिर देखिए हरितालिका तीज कब आती है, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल तृतीया को मेला रणथंभौर लगता है, राधाष्टमी भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है, झंझुरी एकादशी भाद्र मास की शुक्ल पक्ष के आस पास है। आप देखिए भाई ध्यान दो, आश्विन मास कौन सा मास, आश्विन मास देखिए भाई, आश्विन मास ध्यान दो भाई, आश्विन मास में देखिए भाई एक तो क्या आती है बोलो भाई, देखिए भाई आश्विन मास में ध्यान दो भाई एक तो क्या आते हैं बोलो भाई, सबसे पहले तो देखिए नवरात्र, नवरात्रा क्या आते हैं भाई, नवरात्रा, तो नवरात्रा कब आते हैं बोलो, आश्विन शुक्ल एकम से लेकर नौमी तक आते हैं भाई, इसी में क्या आती है बोलो, दुर्गा अष्टमी, क्या आती है दुर्गा अष्टमी कब आती है बोलो बताइए भाई, आश्विन शुक्ल अष्टमी को, और आश्विन मास में क्या आता है दशहरा, इसे क्या बोलते हैं भाई विजयदशमी, दशहरा या विजयदशमी बताओ भाई कब आती है, आश्विन शुक्ल दशमी को आती है भाई, दशहरा कब आता है आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है भाई, क्या चीज बोलो दशहरा। अब देखिए भाई ध्यान, दशहरा आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है, और दशहरा का जो मेला है प्रसिद्ध कहाँ का है बताओ, कोटा का है, कहाँ का है भाई कोटा का है। और देखिए ध्यान दो, दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। हाँ भाई खेजड़ी वृक्ष की क्या की जाती है बोलो, पूजा की जाती है भाई, कौन से दिन है दशहरे के दिन, तो देखिए दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अच्छा देखिए, और खेजड़ी को ध्यान दो भाई, वेदों में समी और जानती भी कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है, कल्प वृक्ष भी कहलाता है, समझ रहे हो ना भाई। हाँ, और देखिए दशहरे के दिन है राजपूत अपने हथियारों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं भाई, हाँ भाई दशहरे के दिन राजपूत अपने हथियारों की क्या करते हैं बोलो, पूजा करते हैं, क्लियर भाई लाइन है। हाँ चलिए देखिए, देखिए भाई आश्विन मास के कोई ऐसे कोई खास त्योहार नहीं है, तो दशहरे के दूसरी बात ध्यान दो भाई, दशहरे के दिन नील टास पक्षी का दर्शन भी शुभ माना जाता है। दोबारा देखो भाई, नवरात्रा आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकम से नौमी तक आते हैं, दुर्गाष्टमी आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, दशहरा विजयदशमी आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को, प्रसिद्ध कहाँ का है कोटा का, दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, और दशहरे में राजपूत अपने हथियारों की क्या करते हैं पूजा करते हैं, और दशहरे के दिन लीलदास पक्षी का दर्शन भी शुभ माना जाता है, ठीक है ना भाई। हाँ चलो, तो दोबारा देखो,
बताओ भाई नवरात्रा कब आते हैं? आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की कम से नौवीं तक, दुर्गाष्टमी कब आती है बोलो? आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, दशहरा विजयदशमी कब आती है भाई? आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को। प्रसिद्ध कहाँ का है ये मेला? कोटा का। और दशहरे की खेजी वर्ष की क्या की जाती है? पूजा। और दशहरे दिन राजपूत अपने हथियारों क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और दशहरे दिन लेटास पक्षी का दर्शन भी शुभ माना जाता है। फिर देखिए भाई ध्यान दो अच्छी तरह, आश्विन मास के बाद में महीना आएगा कार्तिक। कौन सा आएगा? कार्तिक। कौन सा आएगा? कार्तिक आएगा भाई। ठीक है ओके। देखिए भाई कार्तिक मास में ध्यान दो, सबसे पहले देखिए भाई करवा चौथ। कौन सी चौथ है? करवा चौथ। बताओ भाई करवा चौथ कब आती है? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है भाई। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को क्या आती है भाई? करवा चौथ आती है। हाँ, महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, दीर्घायु के लिए। कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती है भाई इस दिन। हाँ तो ध्यान दो भाई करवा चौथ कब आती है? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है भाई। समझ रहे हो भाई? अच्छा फिर देखिए भाई करवा चौथ के बाद भी ध्यान दो, धनतेरस। बताओ धनतेरस कब आती है? कार्तिक कृष्ण तेरस को आती है भाई। समझ रहे ना आप लोग इस दिन? हाँ, सोने चांदी की वस्तुएं लोग बाग खरीदते हैं, धन कुबेर की पूजा करते हैं भाई। उनकी पूजा करते हैं वो कुबेर की तरह लखपति बन जाते हैं। चलो तो भाई धनतेरस का भाती याद रखना, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की तेरस को आती है। अच्छा फिर देखो छोटी दीपावली, कौन सी दीपावली? छोटी दीपावली या रूप चतुर दशी। हाँ भाई छोटी दीपावली है रूप चतुर्दशी। ठीक है तो देखिए छोटी दीपावली रूप चतुर्दशी कब आती है भाई? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को कब आती है भाई? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। ठीक है भाई। अब देखिए भाई दीपावली, बोलो भाई दीपावली कब आती है? कार्तिक मास की अमावस्या को। बोलो भाई दीपावली कब आती है? बोलो कार्तिक मास की अमावस्या को आती है भाई दीपावली। समझ रहे ना आप लोग? हाँ तो देखिए भाई दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को आती है भाई। ठीक है हाँ। चलो देखो भाई ध्यान दो, तो इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है ना भाई दीपावली के दिन शाम को। हाँ फिर देखिए भाई अब पक्ष चेंज हो जाएगा भाई, शुक्ल पक्ष आज चालू हो जाएगा। तो देखिए अब कौन सा त्योहार आएगा? गोवर्धन। क्या आएगा बोलो? गोवर्धन या अन्न कोट का त्योहार। बताओ भाई ये कब आता है? कार्तिक कृष्ण और शुक्ल, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आता है भाई पहली तिथि को। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पड़वा को आता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को आता है भाई गोवर्धन या अन्नकूट, जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। बताओ भाई गोवर्धन या अन्नकूट का त्यौहार वैसे तो पूरे राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन ये अन्नकूट का जो त्यौहार है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ है? नाथ द्वारा में है। और ये नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद में है भाई। तो अन्नकूट का त्यौहार वहां का प्रसिद्ध है। फिर देखिए भाई भैया दोज, कौन सी दोज? भैया दोज है भाई। आप सबको पता है भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है भाई ये। बोलो कब आता है? कार्तिक शुक्ल दोज को आता है भाई। भैया दोज है,
कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौ। अब देखो आगे, आंवला नवमी। देखिए भाई, ध्यान दीजिए भाई, आंवला नवमी। दोबारा देखो भाई, ध्यान दो, बताइए भाई, बेहद हो। देखिए भाई, कब आती है कार्तिक मास, सॉरी यहां से चलो करवा चौथ बोलो, कब आती है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, धनतेरस। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की तेरस को, छोटी तीज रूप चतुर्दशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। फिर देखिए भाई, दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को आती है। गोवर्धन अन्नकूट का त्यौहार, ध्यान दो भाई, प्रसिद्ध नाथद्वारा, नाथद्वारा कहाँ है, राजसमंद में है। और देखिए भाई, कार्तिक मास की अमावस्या, चलो तो अब देखिए भाई आगे, ध्यान दो, इस कार्तिक मास में कौन से मास में भाई, कार्तिक मास में देखो और कौन कौन से त्योहार है शुक्ल पक्ष में। तो देखिए भाई, ध्यान दो, मैंने आंवला नवमी करवा दिया था कि भाई आंवला नवमी, बोलो आंवला नवमी कब आती है, कार्तिक शुक्ल नवमी को। और देखिए भाई, देव उठनी एकादशी, बोलो भाई देव उठनी एकादशी कब आती है, कार्तिक शुक्ल ग्यारस को आती है भाई। देव उठ जाते हैं, चार महीने सो जाते हैं, तो इस दिन उठ जाते हैं वापिस भाई, है ना, हाँ सभी मांगलिक काम चालू हो जाते हैं। अब देखिए भाई, कार्तिक मास की पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा बोलो भाई कब आती है, कार्तिक सॉरी कार्तिक मास की पूर्णिमा, तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को आएगी भाई शुक्ल पक्ष में। तो ध्यान दो भाई, इस कार्तिक मास की पूर्णिमा का राजस्थान में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, यानी कई सारे मेले लगते हैं। तो देखो भाई, ध्यान दो, कार्तिक मास पूर्णिमा में तो कैसे, देखो एक तो है कौन सा, पुष्कर का मेला, कौन सा मेला, पुष्कर का मेला कार्तिक मास की पूर्णिमा को आता है, ध्यान रखना। एक कपिल मुनि, कपिल मुनि का मेला, बोलो भाई कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, कोलाइत में। कोलाइत कहाँ है, बीकानेर में, तो कपिल मुनि का आश्रम है कोलाइत बीकानेर में, समझ गए ना आप लोग, तो वहां पर इसका मेला लगता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। तो कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का परिणेता माना जाता है भाई, कोलाइत के किनारे। अच्छा एक है चंद्रभागा पशु मेला, ये भी इसी दिन आता है भाई, जावरा पाटन में, कहाँ लगता है, जावरा पाटन लगता है, जावरा पाटन कहाँ है, झालावाड में। अच्छा इसके बाद में देखिए भाई, ध्यान दो, सिख धर्म का संस्थापक है गुरु नानक, कौन है, गुरु नानक। तो गुरु नानक जयंती भी कब आती है भाई, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष, सॉरी कार्तिक मास की पूर्णिमा को आती है, यानी चारों त्यौहार कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही मनाए जाते हैं भाई, आते हैं ये सब लोग त्यौहार मेरे जो भी है। अच्छा अब देखो भाई, ध्यान दो आगे, तो अब मैं ना कंप्लीट हो गया भाई कार्तिक, एक बार दोबारा देखो बताओ, आंवला नवमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है, देवउठनी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की ग्यारस को। फिर देखिए भाई, कार्तिक मास की पूर्णिमा, हाँ पुष्कर का मेला, कपिल मुनि का मेला कोलाई बीकानेर में लगता है, चंद्रभागा पशु मेला जावरा पाटन झालावाड़ में, और सिख धर्म का संस्थापक कौन है, गुरु नानक, गुरु नानक जयंती कब आती है। अब देखिए भाई आगे क्या होता है, ध्यान दो,
कार्तिक के बाद में आएगा मार्ग शीर्ष। कौन सा आएगा भाई? मार्ग शीर्ष। मार्ग शीर्ष में कोई ऐसे खास त्यौहार नहीं है। फिर आता है पौष, पौष में भी कोई ऐसे खास त्यौहार नहीं। पौष बड़े या मकर संक्रांति आती है, वो फिक्स रहती है 14 जनवरी। अब आएगा माघ है। कौन सा? माघ है। तो देखो भाई माघ मास में एक तो क्या आती है? बसंत पंचमी। क्या आती है भाई? बसंत पंचमी। बताओ बसंत पंचमी कब आती है? माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है भाई। हाँ बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पश्चिम पंचमी को आती है भाई। दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बोलो भाई किसकी पूजा की जाती है? सरस्वती की पूजा की जाती है भाई बसंत पंचमी के दिन। फिर देखो माघ मास में देखो भाई और क्या है? बेणेश्वर का मेला मैंने पढ़ाया था आपको, बेणेश्वर का मेला। बोलो भाई ये बेणेश्वर का मेला जो लगता है आपको पता है कहाँ लगता है? नवा टापरा गाँव में लगता है। जो कहाँ है? डूंगरपुर में। कब लगता है? माघ मास की पूर्णिमा को लगता है भाई। कब लगता है ये? माघ मास की पूर्णिमा को लगता है भाई बेणेश्वर का मेला। ठीक है भाई ओके। दोबारा देखो भाई बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बेणेश्वर का मेला नौटापरा गांव डूंगरपुर में लगता है भाई। देखिए भाई फाल्गुन माँ के बाद कौन सा महीना आएगा? फाल्गुन। तो देखिए फाल्गुन मास में एक तो महाशिवरात्रि कब आती है बताओ? फाल्गुन शुक्ल फाल्गुन कृष्ण 13-14 को है ना भाई। वैसे एग्जाम के लिए 13 यात्रा ना मनाने पर 14 को मनाते हैं 13 यात्रा एग्जाम में। मासिरात्रि फाल्गुन मासी कृष्ण पक्ष की 13 को आती है भाई। फिर देखो फाल्गुन मास में ही क्या आती है बताओ? खाटू श्याम जी का मेला। बोलो भाई खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल 11 और 12 को। अब आ जाती है होली। क्या भाई? होली। तो बताओ भाई होली कब आती है? बताओ भाई होली आती है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। अरे भाई होली कब आती है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली आती है। अब देखो भाई होली सुनो भाई देखो जैसे आपसे पूछा जाए पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है तो आप लोग आंसर दोगे पत्थर मार होली प्रसिद्ध है बाड़मेर की। कहाँ की है? बाड़मेर की। ठीक है ना भाई? हाँ। आपसे पूछा जाए कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है तो आप लोग आंसर देना भिनाई की। भिनाई कहाँ? अजमेर में। भिनाई कहाँ है बोलो? अजमेर में। ठीक है ना भाई? हाँ। आपसे पूछा जाए लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? है भाई लठमार होली प्रसिद्ध है महावीर जी की। कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी। महावीर जी कहाँ है? करौली। ठीक है ना भाई? वहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है। ठीक है। और आपसे पूछा जाए देवर बाबी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? होली ब्यावर की। कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? ब्यावर। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। चलो एक बार दोबारा देखो बताओ महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन मासी कृष्ण पक्ष की 13 को। ठीक है भाई 13 नहीं है तो इसका देना। खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की 11 को। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। पत्थरमार होली बाड़मेर, कोड़ामार होली बिना अजमेर की है, लठमार होली महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है, देवर बाबी की होली ब्यावर की प्रसिद्ध है भाई। कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर। ठीक है ओके।
देखो भाई चैत्र, तो चैत्र में देखो एक तो क्या आती है भाई, गणगौर। क्या आती है भाई? गणगौर है भाई। गणगौर कब आती है बताओ? चैत्र शुक्ल तृतीया को, अरे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। और ये गणगौर है राजस्थान में प्रसिद्ध, कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है भाई। हाँ, और गणगौर पर त्योहारों का समापन भी होता है। तो गणगौर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है और प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की है भाई। और ध्यान दो भाई, बिना गण के गणगौर, या बिना गण के गणगौर, या बिना ईसर के गणगौर कहाँ मनाई जाती है बताओ भाई? जैसलमेर में। कहाँ मनाई जाती है? जैसे बिना गण के गणगौर या बिना ईसर के गणगौर कहाँ मनाई जाती है भाई? जैसलमेर में मनाई जाती है भाई। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए, ध्यान दो, अब देखिए भाई ध्यान दो, एक ये भी याद रख लेना आप लोग, गुलाबी गणगौर। कौन सी गणगौर? गुलाबी गणगौर है ना भाई, याद रख लेना। देखिए भाई, गुलाबी जो गणगौर होती है, तो ध्यान दो भाई, देखिए भाई गुलाबी गणगौर, कौन सी गणगौर भाई? गुलाबी गणगौर कब आती है बताओ? चैत्र शुक्ल पंचमी को। अच्छा देखिए भाई ध्यान दो, ये प्रसिद्ध कहाँ की राजस्थान में गुलाबी गणगौर बताओ भाई? है ये प्रसिद्ध नाथ द्वारा की, कहाँ की है बोलो? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद में है भाई गुलाबी गणगौर, यहाँ की प्रसिद्ध नाथ द्वारा राजसमंद। क्लियर भाई? क्लियर। चलो अब देखो आगे, चैत्र मास में और क्या आती है भाई? रामनवमी आती है। कब आती है भाई रामनवमी? चैत्र शुक्ल नवमी को आती है। दोबारा देखो एक बार, बताइए भाई गणगौर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। बिना गण के गणगौर या बिना ईसरी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? जैसलमेर में। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को, प्रसिद्ध कहाँ की है? नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद में। फिर देखिए रामनवमी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है भाई, ठीक है ना भाई? हाँ ओके। अब देखो आगे, वैसाख, तो वैसाख मास में देखो एक आती है धींगा गणगौर। कौन सी गणगौर? धींगा गणगौर बताओ। धींगा गणगौर कब आती है? वैसाख कृष्ण तृतीया को आती है धींगा गणगौर। देखो भाई ये धींगा गणगौर है, ये धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है? प्रसिद्ध उदयपुर की। कहाँ की है? उदयपुर। उदयपुर ऑप्शन में नहीं आई तब जोधपुर करना है, ध्यान रखना इस चीज का। उदयपुर ऑप्शन में नहीं आया तो जोधपुर करना है। धींगा गणगौर वैसाख कृष्ण तृतीया को प्रसिद्ध उदयपुर, उदयपुर के अलावा और दूसरा पूछे तो जोधपुर। अच्छा फिर देखिए इसी में आती है अक्षय तृतीया, बोलो भाई क्या आती है? अक्षय तृतीया खाती जाती है, जो आने वाली है भाई वैसाख शुक्ल तृतीया को, समझ गए ना भाई? इसे अबूझ सावा कहते हैं, इस दिन बहुत ज्यादा बाल विवाह होते हैं राजस्थान के अंदर। देखिए धींगा गणगौर वैसाख कृष्ण तृतीया को प्रसिद्ध जयपुर की है भाई। अक्षय तृतीया वैसाख मास शुक्ल प्रसिद्ध तृतीया को आती है ज्येष्ठ। देखो भाई ज्येष्ठ मास में कोई खास त्योहार नहीं है, एक निर्जला एकादशी, बोलो ये कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल ग्यारस को आती है भाई, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल ग्यारस को आती है भाई। फिर आ जाती है आषाढ़, क्या आ गया भाई? ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ आता है। आषाढ़ में देखो एक आती है देव सोमणी ग्यारस, देव सोमणी मैंने उठनी बता दिया आपको, ये देव सोमणी है एकादशी।
देखो भाई ये कब आती है, आषाढ़ शुक्ल 11 को एक आती है, इसे आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा। क्या आती है भाई? गुरु पूर्णिमा। बताइए गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ मास की पूर्णिमा को क्या आती है भाई? गुरु पूर्णिमा। ओके ये पूरे मैंने कंप्लीट हो गई भाई आपकी त्योहार। तो बीज जलाया करते थे जेठ शुक्ल 11 को, आषाढ़ मास पे देव श्रवणी 11 आती है, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्षी 11 को गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आती है भाई। ठीक है भाई चलो। तो ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में देव श्रवणी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल 11 को आती है गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आती है। ठीक है भाई ओके।